रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर जानकारी दे रही हैं मुख्य जनपदाधिकारी रीना बाबा, देखिए लाइव तस्वीर। सहायता देंगे, इसके अलावा जो सेवा मतदाता है उनमें ETPBMS से भी मतदान करने की पात्रता रहेगी। इसके अलावा जितने निर्वाचन कर्मचारी वहां पर लगे होंगे उनको यदि वे प्रारूप 12 में आवेदन करते हैं तो डाक मतपत्र के माध्यम से विहित सुविधा केंद्र के माध्यम से वो मतदान भी कर सकेंगे। नाम निर्देशन की व्यवस्था के लिए जिला मुख्यालय में हमने तैयारी की है और अभ्यर्थियों से ये आग्रह रहेगा कि जो आयोग के निर्देश है कि नामांकन कक्ष में कुल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे और जो रोड शो है उसमें भी मात्र 3 वाहनों की जो है पात्रता रहेगी। प्रचार प्रसार के लिए हमने स्वीप के माध्यम से कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जो है मतदान का प्रतिशत रहे और 13 नवंबर को जो तय है मतदान दिवस उस दिन जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं अपील सभी रायपुर नगर दक्षिण के मतदाताओं से करूंगी कि वे अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय और विधानसभा में इस विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत जो है जिले के एवरेज से काफ़ी कम था, केवल 60% विधानसभा में और 61.4% जो है लोकसभा में यह मतदान हुआ था। पूरे ज़िले का औसत जो है 66% रायपुर ज़िले का रहा है और राज्य 72% लोकसभा में यहाँ पर वोटिंग हुई थी, तो राज्य और ज़िले के औसत से भी इस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कम मतदान का प्रतिशत रहा है। तो इस बार कोशिश अवश्य यह रहेगी कि अधिक से अधिक मतदाता जुड़े। जहाँ तक आदर्श आचरण संहिता का सवाल है तो जो अद्यतन निर्देश है उनके आधार पर जो भी आयोग के इसमें डायरेक्शंस है कि यदि उपचुनाव घोषित होता है तो जनरली उपचुनाव का जो आदर्श आचरण संहिता का परिक्षेत्र होता है वो संपूर्ण जिला रहता है, परंतु यदि वो राज्य की राजधानी है या महानगर है अथवा किसी नगर निगम के अधीन आता है तो ऐसे परिस्थिति में केवल उस विधानसभा क्षेत्र का परिसीमाएं या परिक्षेत्र ही मात्र आदर्श आचरण संहिता से प्रभावित रहेगा। तो हमारी आदर्श आचरण संहिता से संबंधित जो ट्रेनिंग हमने कलेक्टर्स की ली है, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सभी को हमने इसके संदर्भ में निर्देश दिए हैं। संपत्ति विरूपण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसमें जितने भी शासकीय संपत्तियां इस विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है, जितने भी शासकीय कार्यालय है वहां पर 24 घंटे के अंदर सभी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर्स, स्टिकर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर्स और झंडे उतरवा दिए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति पर जो भी विरूपण है वो सार्वजनिक संपत्ति पर 48 घंटे के अंदर और निजी संपत्ति पर 72 घंटे के अंदर जो है वो हटा दिया जाए। शासकीय वाहनों के उपयोग राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और सरकारी खर्च पर जो भी विज्ञापन होंगे उस पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के वाहनों की अनुमति है वो आवश्यक और अनिवार्य रहेगी और जो वाहन बिना परमिट के पाए जाएंगे चुनाव प्रचार में संलिप्त ऐसे सभी वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। मौन अवधि को छोड़कर अभ्यर्थियों के लिए वाहनों की संख्या की कोई सीमा नहीं रहेगी और प्रचार के लिए किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आम सभा के लिए सार्वजनिक स्थलों की पहचान हमने पूर्व से कर ली है। यदि सभा स्थल पर कोई शैक्षणिक संस्था है या सभा के पूर्व संस्था प्रबंधन से अनापत्ति नहीं लिया गया है तो ऐसे में ऐसे सभा स्थल पर किसी भी प्रकार की सभा पर प्रतिबंध रहेगा। सभा का आयोजन रात 10 बजे के पश्चात प्रतिबंधित होगा। आयोजन की जाने वाली प्रत्येक सभा की अनुमति आवश्यक होगी जिला निर्वाचन अधिकारी से। मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। रैली का जो अनुमति है
वो भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तय मार्ग पर निश्चित समय पर दी जाएगी। इसमें रैली के प्रारंभ और अंत का जो निर्धारित समय है और स्थान है वो पूर्व से निश्चित होगा और रैली का मार्ग पूर्व से तय होगा, जिसका उल्लेख आवेदन में अभ्यर्थियों के द्वारा कर लिया जाए। यदि रैली की लंबाई अत्यधिक है तो इसमें फिर हम तोड़कर रैली की अनुमति देंगे। रैली में किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर प्रतिबंधित रहेगा और शालेय बच्चे या स्कूल यूनिफॉर्म में शालेय छात्र छात्राओं को रोड शो में जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।